नमस्कार, मैं वैभव सोनवने स्वागत करता हूँ आपका कोणार्क मंच टीवी के एक खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं दूषित हवा और वायु प्रदूषण के बारे में, और ऐसा क्या रिश्ता है दिवाली का जो वायु प्रदूषण के साथ उसको जोड़ के देखा जाता है। सबसे पहले आते हैं हमारे देश के कुछ शहरों की ओर जिन्होंने मिलकर एक विक्रम रचा है। कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, यह शहर देश और दुनिया में अव्वल आए हैं हमारे सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है भारत में, और शायद ही आपने किसी नेता को इस पर भाष्य करते हुए देखा होगा। एक चौंका देने वाली बात आपको बता दें कि 2 साल पहले लंदन में वहाँ के पार्लियामेंट के सदस्यों ने लंदन के वायु प्रदूषण को देखते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देना चाहिए ऐसी मांग रखी थी, जबकि लंदन में मात्र 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक जितना ही प्रदूषण था। इसकी मात्रा 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। सिर्फ प्रदूषण की मात्रा दोगुना होने के कारण वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की मांग रखी गई थी। अगर हम बात करें भारत के वायु प्रदूषण की, तो जो अव्वल 10 शहर है उनमें 110 माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर इतना प्रदूषण है, पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम बात करेंगे दिवाली के पटाखों के बारे में। जब से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, तब से यह मुद्दे पर अनेक लोग आपको बहस करते दिखेंगे कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार रहने वाले और तत्वों पर कोई बात नहीं करता, पर दिवाली के पटाखों पर मात्र सबकी नज़र होती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि साल भर इतनी सारी अलग अलग जगह से जो प्रदूषण होता है उसमें भी प्रतिबंध लगवा दो, पर अगर आप भी दीपावली के एक दिन के प्रदूषण को बाकी दिनों से जोड़कर देखते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश को गलत तरीके से समझ रहे हो। जो प्रदूषण दिवाली के दिन फैलता है वह कुछ भी नहीं है, बाकी दिनों के सामने बात तो सही भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों आप पटाखों से होने वाले प्रदूषण को गाड़ियों से या अन्य तत्वों से जो प्रदूषण निकलता है उससे जोड़ के नहीं देख सकते। पटाखे दरअसल सिगरेट की तरह है, जिससे भले ही हवा में प्रदूषण कम होता है या वो ना के बराबर होता है, उससे तो कोई प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन जो धुआं अपने फेफड़ों में जाता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अन्य चीज़ों से तोला ही नहीं जा सकता। तो पटाखों को आप सिगरेट की तरह सोचिए, गाड़ियों या कंपनियों के द्वारा होने वाले प्रदूषण से मत जोड़िए। अगर आप पटाखों को गाड़ियों के प्रदूषण से जोड़ते हैं तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं 30 मिनट तक आप सूंघते रहिए, फिर आप इन्हें जोड़ के देख सकते हैं। अभी मैं पटाखों को सिगरेट के धुएं से क्यों जोड़ता हूँ बताऊंगा। 4 सालों पहले एक रिसर्च हुई थी जो पुणे में चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसमें इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कौन से पटाखे कितने हानिकारक हो सकते हैं और कितना प्रदूषण इससे निकलता है और कितनी सिगरेट का धुआं एक पटाखे में से आपके फेफड़ों में जाता है। और इस रिसर्च में यह दिखाया गया है कि शहर के प्रदूषण में कितनी बढ़ोतरी होती है वो नहीं दिखाया गया, आपके शरीर में कितनी तबाही मचती है पटाखों के धुएं से यह दिखाया गया है। सिर्फ एक फुलझड़ी से 74 सिगरेट का धुआं आपके शरीर में चला जाता है, सिर्फ एक फुलझड़ी से। यह तब भी लागू होता है जब आपके 1 या 2 फीट के दूरी पर कोई उसे जला रहा है। तो अभी हम यह जानेंगे कि कौन से पटाखों से कितने सिगरेट्स का धुआं आपके फेफड़ों में जा सकता है। पहला पटाखा स्नेक, 464 सिगरेट्स का धुआं अगर आप 1 या 2 फीट के दूरी पर इसे जला रहे हैं तो आपके फेफड़ों में चला जाएगा। अगर आप 1000 पटाखों की लड अगर आप जलाते हैं तो 277 सिगरेट्स का धुआं आपके बॉडी में चला जाएगा। अगर आप एक फुलझड़ी जलाते हैं तो 74 सिगरेट्स का धुआं आपके शरीर में प्रवेश कर लेता है। अगर आप एक चक्री जलाते हैं तो 68 सिगरेट, अगर आप अनार जलाते हैं तो 34 सिगरेट्स का धुआं आपके शरीर में जाके तबाही मचा सकता है। इसके लिए भले ही हवा प्रदूषण में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, पर जिन्हें अस्थमा या सांस लेने संबंधित कोई बीमारी है तो उनके लिए यह एक जानलेवा दिन भी साबित हो सकता है। दिवाली प्रकाश का उत्सव है, दिवाली खुशियां बांटने का उत्सव है, और इसे आप पटाखे जला के दूषित ना करें। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कोणार्क मंच टीवी के तरफ से कि दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, खुशियां बांटें। धन्यवाद।